देखिए एकदम से भगदड़ वाला माहौल बच गया, पुलिस प्रशासन फेल होते नजर आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों, वाव बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं अयोध्या में आया हूँ और अयोध्या में यहाँ पर जिनको पास मिला है वही अंदर जा सकते हैं दीप जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 9 लाख दीप जलाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। आप दीप देखने अंदर की गए? नहीं। क्यों? परमिशन नहीं है आपका? इनका परमिशन नहीं है तो ये अंदर की ओर नहीं जा सकते हैं, जिनका परमिशन है वही अंदर जा सकते हैं। दोस्तों आप गए थे अंकल? नहीं, कैसे जाते वहाँ पे? वो तो जो जिनको पास बने हुए हैं, और चूंकि घाट में 9 लाख दिए जलाए जाने हैं और जो 9 लाख दिए जलाए जाने वो घाट पर ही है, इतनी पब्लिक जितनी है वो वहाँ पर आ ही नहीं सकती, इसीलिए प्रशासन से समझौता ये पास की व्यवस्था की है। जो लोग वॉलंटियर हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वही लोग अपना कर रहे हैं। जो बाहर से आए हैं, जो बिहार से आए हैं, जो कलकत्ता से आए हो, वो हरियाणा से आए हैं, तो वो यहाँ पर तो सिर्फ देख कर घूम कर चल जा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? अब यही है कि जो अन्य इवेंट जनता के लिए है वही देखें और अपने इस इवेंट को LED स्क्रीन पर देखेंगे, और क्या है, मजबूरी है फिर। इनको कहना है कि आप यहाँ पर स्क्रीन चल रहा है LED स्क्रीन, उसी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अन्यथा आप ये भीड़ दिखा दीजिए थोड़ा सा चारों तरफ आप दिखा दीजिए कि कितना भीड़ है। जो बाहर से ही लोग देख रहे हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम भी बस्ती से आए हैं। बस्ती यानी यहीं के रहने वाले? जी जी, क्षेत्रीय से हैं, 20 किलोमीटर आसपास हैं। अच्छा, 20 किलोमीटर आस। तो आप अंदर गए देखने के लिए? नहीं अभी तो नहीं गए हैं, भीड़ काफी है लेकिन जाएंगे जरूर अभी। अच्छा, तो 8 पास का क्या मिल जाए? पास का प्रक्रिया क्या है? पास की प्रक्रिया हमको मालूम नहीं, हम लोग तो बाहर से आए हैं, लेकिन ये मालूम है कि जब यहाँ से VIP चले जाते हैं तब जनरल जो लोग हैं वो जाते हैं, हर साल हम आते हैं यहाँ पे, हर साल जो VIPs हैं और ये गिनीज बुक वालों की जो गणना होती है हो जाने के बाद, VIP चले जाने के बाद आम जनता जाती रहती है। इसके बाद अभी कोई नहीं जा सकता है? अभी तो वर्तमान में कुछ नहीं, अभी कोई नहीं जा सकते हैं। अभी योगी जी तो यहाँ पर आ चुके हैं? हाँ योगी जी आ चुके हैं, योगी जी इससे पहले वहाँ राम का राज्याभिषेक भी किए थे, हम लोगों ने वहाँ पर देखा है उनको। तो दोस्तों जय श्री राम। देखिए जय श्री राम का लोग नारा लगा रहे हैं, क्या आप अंदर देखने के लिए गए दीप उत्सव? बिल्कुल कल गए थे, अभी भी जाएंगे। अच्छा, तो आपका पास बना हुआ है? नहीं पास नहीं बना है, 7 बजे के बाद एंट्री होगी। अच्छा, 9 बजे के बाद? हाँ, तो आ जाए, एक मिनट, 9 बजे के बाद एंट्री मतलब अंदर हो जाएगी, मतलब आम आदमी भी जा सकता है? तो ठीक, इसके बारे में लोगों को बता दें। क्या बताना है इसके बारे में? माने आम आदमी भी 9 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री किया जा सकता है, लोग दीप देख सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही प्रतापगढ़ के। तो आपको ये पूरा डिटेल पता है? हाँ, जो लोग हमको यहाँ पे बता रहे हैं वही हम आपको। हर साल आते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, आप लोग, इन लोग को कहना है कि जो दूर दराज से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, तो बाहर से जो आए हुए हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, 9 बजे के बाद अंदर एंट्री होगी, मगर हम देखना चाहते हैं कि 9 बजे के बाद एंट्री होगी कि नहीं, ये हम आगे पता करते हैं। अभी 1 घंटा या 1.5 घंटा अभी बाकी है। आप अंदर गए थे देखने के लिए? आप अंदर गए थे? हम दिन में गए थे देखने के लिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम पटना बिहार से आए हैं। अच्छा, मैं भी पटना बिहार से हूँ। तो बहुत दोपहर में गए थे आप? हाँ, दोपहर में गया था, मैं देख करके आया था, लेकिन अभी तो नहीं जा पा रहा हूँ। तो पता चला है कि 7-8 बजे के बाद से सभी को देखने का अलाउ हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद हम दर्शन करेंगे उस चीज का, बाकी तो ऐसे ही संतोष करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये पटना से आए हुए हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन शर्मा, ग्राम गोरखरी, विक्रम, पटना का हूँ। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर लोग दूर दराज से भी आए, जैसे ये पटना बिहार से आए हुए हैं, और इनको पता चला है कि 9 बजे के बाद 8:30 बजे के बाद अंदर एंट्री किया जाएगा, क्योंकि लोग दूर से आए हैं, हम भी दूर से आए हैं, तो हमें भी उल्लास है कि मैं भी जाके दीप उत्सव देखूं। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि 2017 से दीप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योगी जी शुरुआत किए थे। 2017 में लगभग 1,80,000 दीप जलाया गया था, 2018 में 3 लाख दीप जलाया गया था, और 2019 में 5,50,000 दीप जलाया गया था, और 2020 में 5,51,000 जलाया गया था,
और उसके बाद 2021 में 9 लाख दिए जलाए गए हैं, इतिहास रच दिया गया है दोस्तों। 9 बजे एंट्री होगी तो हम आपको दिखाएंगे, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ से यहाँ नजारा जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया, अंदर भी चलेंगे और अंदर के भी चीज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो चुका तो यहाँ पर लोग कूदना स्टार्टिंग कर दिए हैं, और यहाँ कूदना स्टार्टिंग कर दिए हैं क्योंकि यहाँ बहुत रोक किया जा रहा था, फिर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, और सारे लोग यहाँ भगदड़ मचा दिए हैं और कूद पड़े हैं यहाँ पर आने के लिए, और देख सकते हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पर है, और ये देख लीजिए, और यहाँ पर एक आप एकदम जोश के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जाइए, और देखिए इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल भगदड़ मच गया है, लोग अंदर आ चुके हैं, बर्दाश्त से फालतू हो गया क्योंकि 9 लाख दिए देखना था जलते हुए। तो यहाँ पर कई लोग देखिए, यहाँ पर लोग सदस्य हैं जो ये कार्ड इनका था, ये अंदर आ चुके थे, और यहाँ पर भाई साहब भी यहाँ पर हैं, और ये दीप का यहाँ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे कैमरामैन तो कहाँ चला गया है पता नहीं है, भीड़ में भुला गया है अयोध्या में। अरे बिहारी बाबू, तो देखिए यहाँ पर है हमारे एक सज्जन है। तो दोस्तों यहाँ पर जय श्री का नारा लगने लगा है और स्टार्ट हो चुका है जय श्री राम। दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ का दृश्य, बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए सरयू नदी भी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरयू नदी के किनारे हम यहाँ पर हैं, जो देख लीजिए। तो ये दोस्तों ये देख लीजिए नज़ारा, बिल्कुल खूबसूरती का यहाँ नज़ारा आप देख सकते हैं। 9 लाख दिए जलाए गए हैं 2021 में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में ये लिखित होगा और लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए सरयू नदी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल पानी जो है से धीमे है, और हम उस लेजर लाइट की तरफ हम चलेंगे दोस्तों, जो आपको हम यहाँ का फुल एंजॉय और दिखाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से दीप जो है से जगमग कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, बिल्कुल ये देख लीजिए, और लोग अंदर सेल्फी भी ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, और बहुत ही सुंदर नज़ारा अयोध्या नगरी में आने का, बहुत ही सफल और यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, 9 लाख दीप यहाँ जो जलाया जा रहा है, और यहाँ लेजर लाइट भी हम आप लोग को दिखाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ आने गए देखिए दोस्तों, मैं वहाँ भी चल रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा, चला चलिए। बहुत ही भव्य दृश्य, 9 लाख दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों, ये देख लीजिए पूरा अयोध्या जो है पूरा खूबसूरती के नज़ारा जगमगा गया है छोटी दीपावली में, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब सीन ये देख सकते हैं दोस्तों, वाव बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर हमारे छोटू चिंगारी जी लगे हुए हैं, वे देख लीजिए क्या खूबसूरती है दोस्तों। यहाँ अगर आप आए हैं अयोध्या नगरी में, भगवान श्री राम की नगरी में, मन जो है से गदगद हो चुका है दोस्तों, ये देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत सीन, बहुत ही अमेजिंग जो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्चून का यहाँ पर तेल है जो सारे दिए में दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर।
है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।